अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव, वो भी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे क्योंकि हमने मसालों की बनानी है पोटली। तो उसके अंदर सबसे पहले लेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, ये है बादियान के फूल, 2 हैं ये। एक टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, एक टेबल स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें हैं, और ये 4 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं। इनको मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में, चाहें तो आप साबुत रख लें। 8 से 10 अदद ये लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची और 8 सब्जी इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं इसको, और 2 टेबल स्पून सौंफ, एक तेज़पत्ता। अब इस सब की एक पोटली बना लेनी है, चारों साइड से उठाकर एक साइड से इसको लपेट देंगे और ये हमारी पोटली रेडी है। तो ये पोटली रेडी है। अच्छा, तो जो पुलाव में जो कमाल है ना, जायका जो आना है, वो इसी पोटली से आना है। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसको। तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है 500 ग्राम बीफ और ये बोन्स के साथ है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप भी बोन्स के साथ डालें। और जो पोटली हमने रेडी की थी वो डाल दी है। 1 अदद प्याज को मैंने 4 हिस्सों में काटा और इसके अंदर शामिल कर दिया, और 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 8 से 10 अदद ये लहसुन के जवे हैं, इनको छील कर डाल दिया है, और इसके अंदर शामिल कर दिया है 5 गिलास पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे और प्रेशर कुकर में पकने देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, तो ये देखिए इतनी अच्छे से यखनी तैयार हो गई है। इस टाइम पर जो है वो गोश्त भी गल गया है और इसमें से तकरीबन 1.5 गिलास पानी खुश्क हो चुका है, बाकी सारा हम यखनी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे पुलाव में। जैसे ही मैंने यखनी को खोला है ना, पूरे घर में बहुत मज़ेदार खुशबू हो गई है पुलाव की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, अब 1/2 कप मैंने ऑयल गरम किया था और उसके अंदर 2 अदद प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज को हमने हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक पकाना है। तो प्याज का कलर हो गया है चेंज, ये ब्राउन हो रहा है, स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 तेज़पत्ता और 4 अदद लौंग शामिल की हैं और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए तेज़पत्ते और लौंग की। और देखिएगा कितना मज़ेदार पुलाव रेडी हो गई है। आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आपके साथ और ज़्यादा मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूं। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 8 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने और इनको पीस लिया था, तो उनका पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे जनाब 1 कप दही, और बहुत ही कम मसालों में बेहतरीन पुलाव रेडी होगा, पूरे घर में इसकी महक भी हो जाएगी बहुत अच्छी सी और टेस्ट तो इसका बहुत ही आला होगा। अब इन सब मसालों को भून लेंगे। मसाले की भुनाई हो गई है, देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी क्योंकि यखनी के अंदर भी हमने नमक डाला है, तो नमक अभी कम ही डालिएगा, बाद में आप टेस्ट करने के बाद एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो फिर इसके अंदर मैंने जो गोश्त की बोटियाँ थी ना, जो हमने यखनी बनाई थी, वो शामिल कर दी हैं। अब इसके साथ इसको भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि इनका भी अच्छा सा टेस्ट निकल आए, फ्लेवर्स आ जाए यखनी के। और ये तकरीबन 2 मिनट हो गए थे भूनते हुए, तो फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है
यखनी जो हमने बनाई थी। देखिए यखनी अच्छे से पकने लगी है, तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। और ये वो गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, होममेड गरम मसाला है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 4 कप भीगे हुए, पहले से भीगे हुए, तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो दिए थे ये चावल। तो ये 4 कप चावल है, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं यखनी के अंदर। अब देखें ये पानी जो है ना इसके अंदर काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन आएगी कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा, नीचे से बबल्स आने लगेंगे कहीं कहीं चावलों पे, तो इस टाइम पर हमने इसको दम पर रख देना है। तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे 8 मिनट के लिए। तो 8 मिनट हो गए हैं और फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और आप देख सकते हैं मज़ेदार हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी है। उसको रायते के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ मैं एक स्पेशल रायता बनाती हूँ, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।